तो शिवम वापस अपनी डेली रूटीन पे आ चुका है और सुबह सुबह 7:30 बजे उठ के सबसे ऊपर आ चुका है। ये लड़की अभी सो के उठी नहीं, अभी सो के उठी है लड़की नहीं। हाँ, मेरी आंखें देख के। और यहाँ देखो, हमारे स्कूल गर्ल रेडी हो चुकी है, जिसका नाम है अव्या ठाकुर। मामू, अरे हाँ, चुंडी बनाएगी। अभी आपका कौन सा दिन है? फर्स्ट डे है, सेकंड डे? सेकंड। कैसा लग रहा है आपको स्कूल जाके? अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, दे दो इसको, दो एक छोटा सा। जब मैम बाहर जाते हैं, हम बातें करते हैं। क्या? जब मैम बाहर जाते हैं ना, मैं करती हूँ। फटाफट खा लो, जल्दी खा जल्दी, ठीक है? शिवम, आप भी खाओगे? पराठा खाओगे और स्कूल जाओगे? जाओगे स्कूल? मुझे तो अभी 1 साल बचे हैं भाई स्कूल जाने के लिए। 1.5 साल बचे अभी स्कूल जाने के लिए। और ये देखो अदू, मेरे ख्याल से कुछ खा भी ले साथ में। नहीं खाना, सिर्फ दूध मत पिया कर। तू क्यों नहीं तैयार हुई है? मेरा नहीं आज स्कूल, हमारे को 3 दिन और उसको भी 3 दिन जाना पड़ता है। जो है थर्सडे से सैटरडे, आगे को है मंडे से वेडनेसडे। तो शिवम का खाने का तरीका देखो, 3-3 हाथों से खा रहा है वो चावल, और जिसके इसकी मम्मा खिला रही है और मम्मा को बोल रहा हूँ मैं, जल्दी करो हमें घूमने जाना है। ए, एक गंदा बच्चा, एक खेल रहा है, पता है? खाना कम खा रहा, खेल। और शिवम खाना बिना फ़ोन के देखता है, कोई बिना फ़ोन देखे खाता है, कोई टेंशन नहीं है। पर जो अपना प्रकृति का वो खिचड़ी होती है ना, जो बेचारा 1 साल से खा रहा है, नहीं है असल में वो स्पून की, इसको स्पून के साथ खाने का मतलब मन नहीं करता, इसलिए अब हाथ के साथ देखो ये खेल रहा है। एक्चुअली खेल नहीं रहा है, देख खा नहीं रहा, बिना फोन से खा रहा है वो, इतना खा भी लिया उसने। हाँ, वो तो अच्छा है ना। पर अब बेचारा सच्चा है, कई सालों से वो खा रहा है बेचारा, रेगुलरली डेली वो ही खाना है ना। चिपू, मम्मा आपको गंदा गंदा खिलाती है ना? गंदा नहीं है वो, गंदा है वो, सबसे न्यूट्रिशियस। गड़क जा, यस, ऐसे, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। तो शिवम जी कहाँ जा रहे हो? तो आज माउंटेन फैमिली चली एक बहुत ही खास जगह में, और वहाँ पे आज हम कुछ खास करने वाले हैं। खासकर शिवम और आव्या का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। पिछली बार आव्या नहीं रही है ना वहाँ ऊपर? ऊपर कहाँ, ऊपर कौन सा ऊपर? अरे ऊपर कहाँ, ऊपर जब अद्दू वगैरह कैंपिंग की थी हमने रात को। नहीं आवे नहीं, आवे नहीं, मैं भी नहीं थी। कौन आए जुजू करता हुआ? हाय जुजू, हाय, बोलो हाय। चल बेटा, तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने अपने घर में। तो शिवम के दादू और मेरे दादू के घर में पहुंच चुके हैं हम एक बार फिर से। तो शिवम के लिए अब खास कर आते हैं, बिकॉज उसको पूरी तरह भागना होता है गाड़ी से दूर, और गाड़ियों की आवाज़ से दूर। बिल्कुल, कितनी शांति है, और पीछे इन मैरी गोल्ड की खुशबू की तो बात ही क्या यार। और ये बैठ ही नहीं रहा है, अब बोल रहा है कि हमने जाना है। बट हम आज आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात दिखाएंगे। चलो, तो आज हम करने वाले हैं इस शांत से प्लेस में कैंपिंग। यस, और शिवम भी करेगा हमारे साथ कैंपिंग। तो चलिए यार, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा करते हैं अब कैंपिंग। कैंपिंग के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है? शिवम नहीं, क्या? गोल टेंट। गोल टेंट? हाय शिवम, हम शिवम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, गोद देख रहे, ले ले। ये देखो, खुश देखो यार, खुश कितना होता है ना। तो प्रकृति, आपने क्या कभी टेंट लगाया है? हाँ लगाए हैं, बिल्कुल। नहीं, ऐसे वाले नहीं, डोम टेंट नहीं लगाया तुमने? हाँ, ये जो मतलब जल्दी से नहीं, एक बार लगाए हैं जल्दी वाले ने। तूने लगाया उन्हें, वो जो संताली वाले होते हैं ना? नहीं नहीं। हाँ देखी थी मैंने, तेरी फोटोज देखे हैं। कहाँ लगाए तुमने मेरे साथ? मनाली। क्या लगता है प्रकृति कर पाएगी, टेंट को लगा पाएगी? मुझे नहीं लगता पति तू लगा पाएगी। I don't know, मैं तो, मुझे मालूम नहीं है कि इसका क्या सिस्टम है, और वैसे भी अकेले तो। चला अव्या को रख ले तू अपने साथ, मैं तो शिवम को पकड़ा हुआ हूँ। तो मैं शिवम के साथ बैठा हूँ, और प्रकृति का काम है आज टेंट लगाना।
इसमें डालेंगे हम वाटरप्रूफ कवरिंग। तो ये चला शिवो हम। तो इन टेंट की खास बात ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो और बारिश होने के चांसेस नहीं है, तो सिर्फ ये लगा के भी गुजारा हो सकता है। तो अद्विका को वाइज वे टेंट लगाना आता है और प्रकृति ने ये वाले टेंट नहीं लगाए हैं, जो सिंपल नहीं होते, जो पुराने बाबा आदम के जमाने के बाबा उन टेंट्स में बहुत बैठी है प्रकृति। सरकारी दफ्तरों और सरकारी कॉलेजेस में पुरानी चीजें ही होती है। और शिवो हम ले रहे हैं पूरा एंजॉय। चलो अब जल्दी जल्दी टेंट लगाते हैं और फिर है ना हम स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का बसेरा जहाँ पे हम रहेंगे। एक्चुअली आपको बता दूँ क्यों आए हैं हम आज ये करने, इसका एक रीज़न है। तो हम एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं, एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैंपिंग करेंगे, हमें बॉनफायर होगी, कैंपिंग होगी, तो सारे टेंट्स वगैरह लगाएंगे, तो थोड़ी उसकी तैयारी कर रहे हैं। बात ऐसी है कि शिवोहम को और एप्पल निकाल रहा है, शिवोहम को और प्रकृति को एक बार कैंपिंग का एक्सपीरियंस करवाना है। प्रकृति ने तो काफी की है बट हमने कभी साथ कैंपिंग नहीं की है ना। और आगे शैतान आ गया। ये लड़का ना बार बार जाके खुश, देखो आज कैंप के अंदर कितना है। तो रियल कैंपिंग में करते वक्त तो इसको और भी मजा आएगा। इसके साथ साथ इसके घर मतलब पेरेंट्स को और जो भी साथ में होंगे उन्हें भी बड़ा मजा आएगा। ये देखो, ये चले फिर टिड्डे राम चले, यहाँ गिरेगा यहाँ पे सबसे पहले। तो ये गिरा देखो, ये हर बार गिरा और पीछे इसका जो है ना भूत जैसा दिखता क्रोकोडाइल है वो। फिर तेरी चप्पल पे अटैक। अब फिर आएगा? नहीं नहीं नहीं, अब फिर आएगा। अच्छा यहाँ वो यहाँ देखो बाहर से दिखाई दे रहा है, कहाँ गया हो ना, बड़ा चालू होगा नजदीक ही। हाँ हाँ पता है। अबे आपने कभी कैंपिंग की है? आपने नहीं की पर अद्विका और हमारे हमने सब ने कैंपिंग की है, तो वो वाली वीडियो मैं आपको कल डाल दूंगा। एक्चुअली वो दूसरे चैनल पे भी थी बट मैं इसमें भी डाल दूंगा। और ये बहुत ज्यादा रो रहा है क्योंकि इसको बाहर जाना है, घूमना है, फिर अंदर आना है। घूमने जा 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 जा, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, जाओ। तो पहले घूमना चाहता था बट अब क्या करे, अब नहीं घूमना। क्या कर रहे हो शिवो? हम हर एक बच्चा जो है ऐसे खुली जगह में नेचर के बीच में एंजॉय करता है, सिर्फ एक बच्चा नहीं बड़े भी, हम सब जो है नेचर में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी देर यहाँ स्पेंड करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और जैसे आप देख सकते हैं कि शिवो हम तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम यही देखना चाहते थे कि शिवो हम जो है टेंट्स में या इस तरह से अगर हम कैंपिंग करेंगे तो क्या वो कंफर्टेबल होगा कि नहीं। तो शिवो हम तो काफ़ी एंजॉय कर रहा है, बस यही देखना था कि शिवो हम एंजॉय करेगा कि नहीं, शिवो हम को कंफर्टेबल होगा कि नहीं। एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कैंपिंग करनी थी तो प्लान कर रहे हैं और बट वही है कि शिवो हम के चक्कर से थोड़ा सा रह जाता है। तो वही देखना है अब इसको, थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है कि वो टेंट्स और कैंपिंग जो है कंफर्टेबल उसके साथ हो जाए।
तो जाने से पहले आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस किस को इस तरह से कैंपिंग करना और कैंप्स में रहना पसंद है और कौन कौन चाहता है कि हम जल्द से जल्द जाएं। तो जितने ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे उतने ज़्यादा जल्दी हम जाएंगे और एंजॉय करेंगे और आपको भी अपने थ्रू जो है इस तरह के व्यूज़ और इस तरह का मज़ा जो है आपको वीडियोस के थ्रू पहुँचाएँ। शिवोहम एंजॉय कर रहा है, बच्चों को टेंट्स वैसे एक्चुअली जो है टेंट जो होता है ना छोटी सी डोम शेप, तो ये बच्चों को वैसे ही पसंद होते हैं तो ठीक है। देखो वो देखो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। शिवोहम को इतना मज़ा आ रहा है इस कैंप्स में, इसको ऐसे करते घर से निकाल के नहीं सुलाते इसको, पति शिवोहम छोड़ पर अब नहीं जाना घर वापस। डंडे से ले।